स्टूडेंट चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन न्यू टॉपिक वी हैव सीन लॉ ऑफ डिमांड मांग का नियम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट If the price of the commodity increases, then its demand decreases. And the price of the commodity decreases, then its demand increases. There are inverse relationship between these two goods is known as law of demand. यानी मांग का नियम यह कहता है कि अन्य चीजें अगर स्थिर हो, अगर things remain constant, अन्य चीजों में यहाँ पे explain नहीं किया, ना ही book में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं अदर थिंग्स। जब भी ये वर्ड आए इसका मतलब हुआ कि जो मैंने आपको इससे पहले पिछले टॉपिक में 5 कोडिंग किया था वो चीज यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सपेक्टेशन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये सब चीजों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी चीजों के लिए यहाँ पे एक सिंगल वर्ड यूज किया गया है अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट होने पर अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होगी और प्राइस घटने से वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। उसी चीज को हम सिग्नल और डायग्राम के द्वारा समझाने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं Px प्राइस ऑफ x कमोडिटी Qs क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड x इज ₹10 देन कंज्यूमर डिमांडेड हाउ मेनी यूनिट्स 100 यूनिट्स। प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 टू ₹9 ₹1 डिक्रीज then the consumer demanded 100 units to 150 units. How many units increase? 50 units increase due to the decrease the price of the goods. Now the price decreased from 9 rupees to 8 rupees. After that the consumer demanded 150 units to 200 units. 50 units increases. It shows that there are inverse relationship between price and its quantity. इसी चीज को हम डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। हालांकि ये सिंपल के बेस पे डायग्राम नहीं है, हम बस सिंपल सा ही कोडिंग किया हुआ है, आप ऐसे कोडिंग करके इसको समझा सकते हैं। एक्स एक्सिस में जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं हमेशा क्वांटिटी को देखा जाता है और वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस को देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा इनिशियल प्राइस इज ओपी एंड इनिशियल क्वांटिटी इज ओक्यू। ये आरंभिक कीमत और आरंभिक डिमांड क्वांटिटी डिमांड है, यानी शुरुआत में इतनी कीमत थी ओपी कीमत थी और डिमांड थी ओपी। अब यहां पे ये बताया व्हेन द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी 1 जब प्राइस ओपी पहले था ओपी से डिक्रीज करके ओपी 1 हो गया कितना डिक्रीज किया हाउ मच डिक्रीज पीपी 1 इतना जो गैपिंग देखा इतना ये प्राइस डिक्रीज कर गया। अब प्राइस ओपी से घट के ओपी 1 हो गया तो प्राइस डिक्रीज कर गया। व्हाट्स इट्स इंपैक्ट ऑन द डिमांड? इट्स डिमांड इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू assumption of the law of demand yani ki law of demand ki manyata hai aap dekh sakte hain yahan pe there are four assumptions of the law of demand first taste and preference means jaise ki pichhe bhi bata chuke hain upbhokta ki swad uski ichhaye aadatein mahatv kis vastu ko preference deta hai to yahan pe assumptions mein ye jitne points bataye gaye hain ye piche पहले पिछले टॉपिक में बताए गए हैं वही चीज रिपीट हो रहा है। सबके आगे आपको क्या लिखना है कांस्टेंट। हालांकि बुक में आपको पैराग्राफ में हर एक पॉइंट को फिर से रिपीट किया गया है एक्सप्लेनेशन ब्रीफली किया गया है लेकिन हम आपको इजी से इजी तरीके से बता रहे हैं ताकि बर्डन कम हो लेस स्टडी मोर प्रिफर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट यानी कि उपभोक्ता की स्वाद और उसकी जो महत्व है उसकी आदतें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए स्थिर होनी चाहिए। इनकम ऑफ द बायर कंज्यूमर की एट ए पॉइंट ऑफ टाइम किसी निश्चित समय में उसकी इनकम भी जो है कांस्टेंट
topic, why does demand curve slope downward? In test question, one question arises in your mind that always you can see that demand curve slope downward, हमेशा negative होता है, ऊपर से नीचे गिरा हुआ होता है, ये इसका principle है, ये main सिद्धांत है. तो reason क्या है? What is the reason behind it? There are some reasons. ये बहुत important topic है, points है. इन सभी points को आपको there are टोटल 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं. अलोंग विद एग्जाम पर कुछ मैंने ब्रैकेट में हर एक हेडिंग के ब्रैकेट में मैंने कुछ कोडिंग किया है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को वहां इंडिकेट किया है. ये सब पॉइंट्स जो है पैराग्राफ में लिखे हैं, हेडिंग है प्लस जो यहां पर ब्रैकेट में हमने इंडिकेट किया है, उस पॉइंट्स वो आपको हेल्पफुल होंगी एक्सप्लेनेशन करने में जब आप आंसर लिखेंगे और इससे आपका बर्डन कम होगा. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इसे हिंदी में कहते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मींस घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज ए कंज्यूमर वी नो दैट व्हेन इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी दैट इट्स यूटिलिटी अलोंग विद डिक्रीजिंग and after a certain point the consumer desire to less use this commodity. Okay, this is marginal utility and he also desire to pay less price for this goods because more quantity it is not useful for consumer. एक example के थ्रू आपको समझाते हैं, जैसे कि आप जो है एक किलो आम लेकर घर पे आते हैं तो बड़े अच्छे से शुरुआती समय में जब सीजन होता है तो उसी क्वांटिटी बहुत ही आपको अच्छी लगती है, बड़ा अच्छे से एक पीस सबको खाते हैं उसको, ठीक है. फिर आप जो है जब सीजन और आता है पांच फूल आने लगा, चले और खरीद जाए. फिर क्या आपका बगीचा हो, आपके घर में डेली पांच या बगल में बगीचा हो, वहां से आप सस्ते आम खरीद रहे हो, ठीक है, और आप जो है वहां से जो है पूरा एक बोरा खरीद रहे हो, तो ज्यादा आम घर में आ जाने से पूरा महक जाएगा और इतना क्वांटिटी हो जाए कि आप समझ गए आप इतना पेट भर गया ज्यादा नहीं खाएंगे पूरा पेट खराब हो रहा है, ठीक है. तो ऐसे में जब किसी वस्तु की आवश्यकता से अधिक मात्रा मनुष्य के पास पहुंच जाती है तो मनुष्य को उसको खरीदने की इच्छा कम होती है और वो चाहता है कि उसकी कम से कम कीमत चुकाए. इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि अधिक क्वांटिटी होने से मनुष्य जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो चाहता है उसकी प्राइस कम से कम दे, हाँ कम से कम पेमेंट करे उसकी प्राइस को. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग जो मैंने बताया क्वांटिटी एंड विलिंगनेस टू पे, यानी कि अधिक क्वांटिटी होने में उसकी इच्छा है कि किसी के लिए कम पैसे खर्च करूँ क्योंकि ये अब मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है. तो इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. और जितने पांच पॉइंट्स बताए गए टोटल 5 पॉइंट्स सब में नेगेटिव रिलेशन दिखाया गया है दो चीजों के बीच में. इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो है क्वांटिटी इंक्रीज करने से प्राइस को कम देना चाहता है, तो एक क्वांटिटी बढ़ी तो उसके लिए प्राइस पेमेंट करना कंज्यूमर चाहता है कि कम करे, ठीक है. तो इनवर्स वाला यहाँ पे जो क्वांटिटी बढ़ गई तो यहाँ प्राइस घट रहा है, प्राइस को कम देना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव. इनकम इफेक्ट में हम यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कोडिंग किया हुआ है प्राइस एंड रियल इनकम. प्राइस यानी प्राइस ऑफ द गुड्स वस्तु की कीमत एंड रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की वास्तविक आय. अब हम आपको कैसे इसको कह सकते हैं, यानी कि इनकम इफेक्ट में मान लीजिए कि आप जो है मार्केट में गए और 100 रुपए लेके और आपकी मदर ने कहा कि जो है 50 रुपए किलो आपका जो है चावल है सांबा चावल और 2 किलो खरीद के लाओ. आप मार्केट में गए किराने की दुकान में ग्रोसरी की दुकान में और आपने जो है डिमांड किया कंजूमर हमें जो है 2 किलो चावल दे दीजिए, आपने 100 रुपए देना चाहा, तो शॉपकीपर ने कहा कि बच्चे इस ये प्राइस जो है इसका तो घट गया सीधे ना गई है, वही जो 50 रुपए के जी जो चावल था उसका रेट जो है अब आपका 40 रुपए के जी हो गया, यानी कि 100 रुपए जो बच्चा लेके गया था उसने
बीस रुपए बचा लिए, 20 रुपए बचा लिए, तो उसके हिसाब में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वह क्वांटिटी चावल की थोड़ी और खरीद सकता है 2 किलो से 2.25 किलो या कुछ और, या 2 किलो के अलावा कुछ पेस्ट या बिस्किट या कुछ और चीजें दे सकता है, क्योंकि उसकी कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हुई, बढ़ गई, रियल इनकम इंक्रीज हो गई। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, द मेन रीजन इज ड्यू टू द डिक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स। वही चीज यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि इनकम इफेक्ट का मतलब होगा कि वस्तु की कीमत भी उपभोक्ता की वास्तविक आय को प्रभावित करती है। प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है और प्राइस बढ़ने से उसकी रियल इनकम कम हो जाती है। वही 100 रुपए लेकर वो जाता और वो शॉपिंग कर कहता कि नहीं अब ये 50 रुपीज के जी नहीं अब ये 60 रुपीज के जी मिलेगा, तो उस कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि 60 के हिसाब से 2 kg चावल का रेट कितना गया 120 रुपीज, और वो तो 100 रुपीज ही लेकर गया, यानी 20 रुपीज उसको फिर अलग से देने पड़ेंगे या घर जाना पड़ेगा फिर, यानी कि उसकी पैसे की वैल्यू रियल इनकम क्या हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। मेरे ख्याल से मैं तो एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ जो आपके सराउंडिंग में जो आपके आसपास है और बिल्कुल बेसिक चीजें आप जोड़ते हुए, तो ये आपका टॉपिक भी शायद क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई शंका भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पीछे टॉपिक में बहुत अच्छे से टी और कॉफी के एग्जाम्पल देकर बताया था कि टी और कॉफी देकर ब्रेक में लिखा गया है, इस दिमाग माइंड में रहेगा तो आप इसके बेस का लिख लेंगे। तो इफ द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीज, यानी कि चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन चाय की डिमांड क्या बढ़ रही है, घट जा रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वाले टॉपिक में मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री में। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि जिस बच्चों को मुझे मालूम है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सिमिलर मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक जैसी मिल रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी वर्ड है जो दोनों में जमीन आसमान का अंतर पैदा करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होगा कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी की डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन चाय की डिमांड घटेगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कंज्यूमर चाय वाले जो है शिफ्ट कर जाएंगे किसकी तरफ, कॉफी की तरफ, क्योंकि उसने अपने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किए। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में हुआ, ओन प्राइस ऑफ टी एंड इट्स डिमांड, चाय की खुद की कीमत और उसकी डिमांड, क्योंकि चाय एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि चाय की कंपनी या रेड लेबल ने ताजा ने अपने प्राइस में इंक्रीज कर दिया जिससे कि लोग जो है नेस्कैफे की तरफ शिफ्ट हो गए। क्लियर हुआ टॉपिक। नेक्स्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आकार या बजट कह सकते हैं। यहां हम देखेंगे प्राइस एंड पॉपुलेशन, यहां प्राइस एंड पॉपुलेशन क्या नेगेटिव दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। साइज ऑफ कंज्यूमर में इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन सो मेनी कंज्यूमर लेफ्ट द मार्केट, अगर कीमत बढ़ती है तो बहुत सारे कंज्यूमर जो है मार्केट छोड़ देंगे, बहुत सारे कंज्यूमर जो है मार्केट में वस्तु खरीदना की इच्छा नहीं करेंगे। क्यों, वस्तु क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वस्तु की रेट बढ़ गए हैं, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ गई हैं। और इसका अगर अपोजिट हुआ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, आप देखा होगा आपने सितंबर अक्टूबर में जो भी त्योहार आते हैं सेल्स 17% सेल्स निकाले जाते हैं, डिस्काउंट 70% 60% तमाम ऑफर्स आते हैं अमेजन में, ठीक है, बिग बाजार में तमाम कई सारे कॉम्प्लेक्स में कई सारी कंपनियां ऑफर देती हैं, तो जब भी सेल्स आते हैं या डिस्काउंट वाले ऑफर आते हैं तो इंडियन ह्यूमन टेंडेंसी है कि डिस्काउंट को देखते हुए कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कि जल्दी से जल्दी खत्म ना हो जाए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्राइस डिक्रीज करने से नंबर ऑफ पॉपुलेशन अट्रैक्ट हो जाती है, नंबर ऑफ बायर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द परचेजिंग द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द कंज्यूमर, दैट डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस मींस कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके उपयोग बहुत सारे होते हैं, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, दूध। अब इसके यूजेस देखिए, मिल्क है, मिल्क से आप कर्ड बना लीजिए, चीज बना लीजिए, बटर बना लीजिए, ठीक है,
पे ये दिखाया है कि डिफरेंट यूजेस में, अगर इफ द प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज 16 रुपीस पर लीटर से घटकर जो है 20 रुपीस लीटर हो जाता है, तो जो लोग 1 लीटर दूध खरीदते थे वो 1 लीटर की जगह 5 लीटर खरीदना शुरू कर देंगे कि भाई 100 रुपए में ले लिया जाए, ठीक है, क्यों बहुत कम हो गया, जब तक 5 रुपए लीटर हो जाए तो लोग बाल्टी लेके जाएंगे खरीदने के लिए, उनको लगेगा यार सभी से सस्ता तो जो आपका दूध है, डेली मक्खन खाओ, डेली मलाई खाओ, डेली घी का लो और डेली पनीर खाओ। तो वही चीज यहाँ पर समझाया जाता है, जिस प्रोडक्ट के यूजेस ज्यादा होते हैं उसकी प्राइसेस डिक्रीज करने से उसका डिमांड इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर 60 रुपीज पर लीटर से जो है मिल कर रहे बढ़कर जो है 80 रुपीज या 100 रुपीज हो जाता है तो लोग कहेंगे चलो काम चाय बनाने का थोड़ा सा ही दूध मिल जाता है, हाफ लीटर 1 लीटर जो भी है, 1.5 लीटर 2 लीटर, वो एक्सेस दूध नहीं लेंगे, एक्सेस मिल्क नहीं लेंगे, क्यों रेट बढ़ा हुआ है। दूध एक ऐसा चीज है जिसे बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। दूसरे कंपनी को देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है अगर गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, जैसे दिल्ली में हमने देखा गवर्नमेंट बहुत रिड्यूस कर दी, बिल बहुत कम आ रहा, बहुत फ्री हो गया, तो ऐसे में लोग तमाम जो है हीटर, एसी, आयरन करना, वॉशिंग मशीन, दिन रात जो है टीवी देखना, ये सब स्टार्ट कर दिए, ठीक है, क्यों बहुत कंसेशन है, गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया, रियायत दी जिसका जनता ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। लेकिन वही दिल्ली की गवर्नमेंट बाय चांस नेक्स्ट गवर्नमेंट बदल जाती है, दूसरी गवर्नमेंट लगा दिया कुछ साल बाद और उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिया, तो लोग जो दिन रात टीवी देखते थे, जो हीटर यूज करते थे घर पे, जो वॉशिंग मशीन यूज करते थे बहुत ज्यादा, तो दिन रात लाइट फैन ऑन करते थे, जो एसी पूरे रूम लगाए हुए थे, अब वही लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना कम कर देंगे, क्योंकि जहां पे 12% बिल आनी चाहिए वो 12% से बढ़कर सरकार ने सीधा 35% कर दिया, बहुत ज्यादा है, जहां जो है 7-8 में काम चलता रहा अब सीधा उनको जो है 6,000-7,000 रुपए बिजली बिल देना पड़ रहा है। तो ऐसे में वह क्या करेंगे, वह केवल जरूरत की चीजों में ही उसका इस्तेमाल बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे, ठीक है, नाइट बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, टीवी समय से यूज करेंगे, वॉशिंग मशीन भी समय से यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि मोर कंजप्शन मोर पेमेंट, लेस कंजप्शन लेस पेमेंट, यानी कि जितना कंजप्शन बढ़ेगा उतना हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपका जो है फेक पॉइंट था, डिफरेंट यूजेस। एंड नेक्स्ट एग्जेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद का मतलब कि कहां पे मांग का नियम, कहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। हम हमेशा आपको बताया है कि डिमांड पर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नेगेटिव दिखाता है, और ये जितने पॉइंट्स बताए इसके सामने ये दिखाया आपने नेगेटिव दिखाया, ये चीज नेगेटिव है, लेकिन ये जो एग्जेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है, यानी कि इसके अपवाद जहां पर मांग का नियम फेल हो जाता है, जहां पर मांग डिमांड का जो है नेगेटिव ना हो पॉजिटिव हो जाती है, वे केवल दो ही कंडीशन में हो सकती हैं। दो कंडीशन में आपको लिखे हुए हैं, पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस का मतलब हुआ कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, सम्मानजनक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिसका इस्तेमाल करने के बाद ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ वस्तुएं ऐसी इस्तेमाल की जाए जिससे मेरी शान शौकत समाज में बढ़ जाए, मेरा रुतबा बढ़ जाए, ठीक है, समाज में अपने को लीक से हट के देखने के लिए, समाज में अपने को अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपनी शान शौकत को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज के प्रोस्पीरियस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं कि वो ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो किसी के पास ना हो, तभी तो समाज उनको हट के देखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है आपका कंफ्यूजन होता है। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स में यही ऐसी वस्तु को ली जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि जितनी प्राइस प्रोडक्ट की हाई होती जाएगी उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, मोर प्राइस मोर डिमांड। हालांकि ये लॉ ऑफ डिमांड के नियम के खिलाफ है, ये हमेशा मैंने इसके अगेंस्ट बोला, लेकिन यहाँ ये नियम लागू नहीं होता। जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, मैं यहाँ बोला था कि जितनी कीमत बढ़ेगी डिमांड घटेगी, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो जानते ही है। लेकिन जो यहाँ पे इसके अपवाद है, जो यहाँ पे आपका एग्जेम्पशन जो कह रहा है, वो यह कह रहा है कि यहाँ पे नियम फेल हो जाता है, क्योंकि हमारे समाज में या वर्ल्ड के किसी भी समाज में मुट्ठी भर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत प्रॉस्पीरियस हैं, वो अपने को बिल्कुल लीक से हटके देखना चाहते हैं, समाज को दिखाना चाहते हैं, और समाज को उनका रुतबा अगर नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू नहीं होगी, कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ साहब, मोदी, हमारे सीएम साहब,
ठीक है, जो भी है बड़े बड़े क्रिकेटर धोनी, तो ये सब जो है BMW और तमाम बड़ी बड़ी 15 लाख 25 लाख की मॉडल टॉप मॉडल कार जो है अमेरिका की ब्रिटेन की बड़ी बड़ी ठीक है यूज करते हैं कार, अगर वो मारुति 800 यूज करेंगे अल्टो यूज करेंगे तो उनका वैल्यू क्रेडिट नीचे चला जाएगा क्योंकि तो सबके पास है भाई, तो इसलिए वो अपनी पब्लिक से हटके दिखा दिखना भी चाहिए कि उनके सेलिब्रिटी उनके पास नहीं होगी उतनी उनके पास कैपेसिटी है उतना उनके पास उतनी इनकम है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए हम अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए हम अपने सम्मान को मेंटेन करने के लिए कि मैं सबसे समाज का हटके दिखूं वह हमेशा हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को ही प्रीफर करते हैं टॉप मॉडल और कार को ही चुनेंगे। अब देखेंगे कि जो है BMW सबके पास हो गई है ऐसा अगर हुआ तो फिर धोनी और शाहरुख परमका और जो सचिन है बड़े बड़े सेलिब्रिटी का बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले तो वो लोग कहेंगे कि चलो BMW नहीं अभी सिर्फ टॉप मॉडल 25 लाख से ऊपर 35 लाख या 40 लाख वाली कार कर देंगे जो समाज में या मार्केट में उसकी लॉन्चिंग कम हुई है या हो भी गई है तो उसको लोग कम खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत महंगी है तो वो लोग उस वस्तु पर शिफ्ट हो जाएंगे यानी कि कीमत जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वो उसकी डिमांड बढ़ाए जाएंगे लेकिन हाँ कीमत घटने पर डिमांड घटाएंगे और कीमत बढ़ने पर डिमांड बढ़ाएंगे तो इसे हम आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स कहते हैं। यहाँ पर हमने प्लस साइन साइन किया हुआ का काम लिखा हुआ है इसके थ्रू आप इस चीज को जो मैंने बोला वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्टिंग दिखा रहा है रिलेशन डिमांड और उसकी प्राइस में गुड्स की प्राइस में। नेक्स्ट गिफेन गुड्स, गिफेन गुड्स में हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट यहाँ पर इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव इनकम का दिखाया जाता है। प्राइस फॉल डिमांड फॉल यानी कि कीमत घटने पे गिफेन गुड्स पहले होता क्या था ये समझिए गिफेन गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स बहुत ही निम्न वस्तु होती है बहुत ही कम घटिया क्वालिटी की वस्तु होती है जिसके रेट भी बहुत कम होता है उसमें क्या होता है प्राइस फॉल जब 12 रुपए किलो बाजरा से घटकर उसका रेट बाजरे का 5 रुपए किलो हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं क्योंकि भाई चलिए से थोड़ा बाजरे से सीखो कि मक्के की तरफ आ जाए या थोड़ा मोटा चावल खा रहे ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स गुड्स विच क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर वेरी लो सो हाई इनकम नेगेटिव नेगेटिव इनकम इफेक्ट मींस प्राइस फॉल डिमांड फॉल प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा दिस इज डिफरेंट गुड्स एंड लास्ट इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट मींस अनुपातिक तरीके से जो है निर्णय जो लिए जाते हैं ध्यान दीजिएगा कई बार कस्टमर जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी वस्तु की क्वालिटी को जज करने के लिए उसकी कीमत से उसका आकलन करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है ये चावल जो है 70 रुपीज केजी है मार्केट में बिग बाजार में जो भी है इतना महंगा चावल या 80 रुपए किलो जरूरी इसमें कुछ क्वालिटी होगी तो जब लोग किसी वस्तु की गुणवत्ता को उसकी कीमत के आधार पर आकलन करते हैं तो इसे इरेशनल जजमेंट कहते हैं। ऐसे में कीमत बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी कीमत घटने पर डिमांड घटेगी वही सेम वस्तु निम्न वस्तु जो भी नॉर्मल गुड्स भी है कीमत थोड़ा मार्केट में बढ़ा दिया सिगरेट्स ने तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे ये रेयर केस में कभी भी होता है तो यहाँ पर जो है इरेशनल जजमेंट होता है तो जिससे कि जजमेंट द क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय इट्स प्राइस जजमेंट द क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय इट्स प्राइस यहाँ पे एग्जाम्पल ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक ठीक है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है जो जैविक उत्पाद होते हैं जिसको जो है ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन ऑर्गेनिक जो अजैविक होता है जिसमें केमिकल और तमाम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है दोनों के प्राइसेस में अंतर होंगे ठीक है ऑर्गेनिक इज मोर एक्सपेंसिव देन नॉन ऑर्गेनिक लेकिन अगर नॉन ऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक बनाकर मार्केट पर रेट उसका बढ़ाकर कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट करा कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है पैकेजिंग कर लिया है तो कंज्यूमर उसको डिमांड उसकी बढ़ा देगा तो इसे हम इरेशनल जजमेंट कहते हैं। और इरेशनल जजमेंट में यहाँ पर हम देख सकते हैं चाहे इरेशनल जजमेंट हो या डिफरेंट गुड्स हो या आर्टिकल हो इन सब में जो है जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है जैसे ओपी प्राइस था तो क्वांटिटी ओक्यू थी प्राइस ओपी से बढ़कर ओपी वन हो गया प्राइस एरो मार्क देखिए ऊपर चला गया प्राइस इंक्रीज कर गया कितना इंक्रीज किया पीपी वन कितना इंक्रीज किया प्राइस प्राइस इतना इंक्रीज करने से क्वांटिटी ओक्यू से बढ़कर ओपी क्यू वन हो गई ओक्यू वन यानी कि क्वांटिटी इतनी इंक्रीज
यहाँ पे क्वान्टिटी इंक्रीज होकर ओके से ओके वन हो गया, प्राइस इंक्रीज बढ़ गया ओके वन हो गई। तो ये तीनों पॉइंट्स में यही डायग्राम बनेगा आपका, और इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यही आपका एग्जम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड है, जिसमें जो है ये चीजें आपको दिखाई गई है। और समय आपको ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन दिखाया गया है, चाहे वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स हो या डिफरेंट गुड्स हो या इरेशनल जजमेंट हो, तीनों पॉइंट्स में आपको जो है पॉजिटिव रिलेशन दिखाई है और इन पांचों पॉइंट्स में आपको नेगेटिव रिलेशन दिखाया गया है। तो ये आपके जो है आज की जो क्लास थी उसमें हमने आपको लॉ ऑफ डिमांड एजम्पशंस व्हाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड एंड लास्ट एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड ये टॉपिक क्लियर किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी डायग्राम से रिलेटेड होगा, डायग्राम से रिलेटेड होगा जिसमें हम आपको आगे की टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक जब आप इसको रिवाइज करते रहिए टॉपिक क्लियर करते।